हेलो एंड वेलकम टू कैसपेरेंसी डॉट ओ आर जी जैसे कि आपने नोटिस किया होगा आज मैंने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाया आपके सामने बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आज हम डायरेक्टली स्ट्रैटी पे जाएँ और देखें आज की भी स्ट्रैटी हम स्ट्रीक पे डिज़ाइन करके बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रीक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ जो भी स्ट्रैटी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो तो पहले हम चलते हैं एक्चुअली uh, मेरे दिमाग में एक स्ट्रैटी है तो सुपर ट्रेंड लगाते हैं पहले मैं आपको पहले स्ट्रैटेजी बता देता हूँ तो मैं दो सुपर ट्रेंड चाहिए तो पहला सुपर ट्रेंड हम करते हैं ट्वेंटी वन एंड टू ठीक रहेगा ना ट्वेंटी वन एंड टू कर लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया पर एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप ये रिक्स डिस्क्लोज़र को वीडियो पॉज करके थोड़ी देर में पढ़ लो क्योंकि ये ज़रूरी है इससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट इज़ ए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बिजनेस और बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ एलेबोरेट कर दिया है ऑलरेडी सो आप इसको एक बारी को पढ़ लो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन टू गो गो विथ मी विथ दिस वीडियो और गो विथ दिस वीडियो वी कैन से तो आप चलते हैं हम स्ट्रैटजी के ऊपर मैंने आज पी पी टी बनाने का मेरे को टाइम नहीं मिला पर मुझे एक स्ट्रैटी मेरे दिमाग में सुबह से चल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं आपके साथ शेयर कर लूँ तो हम यहाँ दो सुपर ट्रेंड्स रखेंगे सबसे पहला होगा ट्वेंटी वन एंड टू और दूसरा हम कर लेते हैं ट्वेंटी वन मल्टीप्लायर बाय फोर यहाँ ऑल ऑफ द वे हमें आ, हमारा स्ट्रेटजी बेसिकली ये होगा कि अगर दोनों सुपर ट्रेंड्स हमें ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं तो हम एंटर कर लेंगे और एक सुपर ट्रेंड कोई सा भी सिग्नल दे रहा है सेल का तो हम सेल कर देंगे ठीक है तो आप देख सकते हो कि ट्वेंटी वन टू लेट से सिग्नल दे रहा है और ट्वेंटी वन टू पहले सिग्नल दे देता है और ट्वेंटी वन फोर लेट से सिग्नल देता है तो हम ट्वेंटी वन टू जो ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई टू है उसको हम एग्जिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली स्ट्रिक पे चलते हैं एंड लेस सी कि uh, कितने परसेंट एकूरेट uh, है स्टॉक्स uh, में देखते हैं मैंने ये स्ट्रेटी बेसिकली बैंक निफ्टी के लिए कहा रहा था बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी में भी ओके बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के साथ भी जा सकते हैं स्टॉक्स में भी ये बहुत अच्छा काम कर रहा है अज लॉन्ग एज आई है तो अब एक दिन के वो पे तो हम बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते ना कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी है कौन सी बुरी और यहाँ पे बैठ के ऐसे बैक टेस्ट करना बहुत लेंदी होगा और स्ट्रीक ने इसी का सोल्यूशन दिया है इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म तो हम पहले चलते हैं स्ट्रीक पे अगर आपका जीरो का अकाउंट नहीं है तो आप जीरो का अकाउंट हमारे लिंक से खोल सकते हैं इससे आपको कोई लॉस नहीं होगा हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा थोड़ा कमीशन मिलता है तो बेसिकली चलते हैं हम स्ट्रीक पे स्ट्रीक का डैशबोर्ड है चल के एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर लेते हैं ओके क्रिएट स्ट्रेटजी तो अभी इसको रखते हैं हम फाइव मिनट्स अभी ये रहने देते हैं पहले ये ऐड कर लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखें ओके okay. है प्रीवियस एन एथ कैंडल क्लोज माइनस वन फाइव मिनट कर दे क्या ओके फाइव मिनट्स का चाहिए एंड इसको रखते हैं हायर देन हायर देन सॉरी माइक्रोफोन हायर देन और इसको रखते हैं सुपर ट्रेंड ओकेट इसका भी माइनस वन ओके सुपर ट्रेंड हायर देन सुपर ट्रेंड ट्वेंटी प्रीवियस एन क्लोज हायर देन ओके दूसरा कंडीशन लिखते हैं एंड प्रीवियस और एक सुपर ट्रेंड चाहिए ना हमें प्रीवियस एन एथ क्लोज माइनस वन फाइव मिनट्स ओके प्रीवियस एन एथ क्लोज क्रॉसेस अबव कर लेते हैं इसको क्रॉसेस अबव और सुपर ट्रेंड सॉरी थोड़ा सा वो है आप लोगों को भी आप देखते चलो मेरे साथ आप अपनी भी स्ट्रैटेजी बनाते चलो दैट विल बी ग्रेट क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ भी वो करोगे इसको टू करते हैं ट्वेंटी वन एंड टू ट्वेंटी वन एंड फोर का हमने बना लिया ट्वेंटी वन एंड टू ऑफ सेट जीरो रखते हैं इसका ओके okay? अब सिर्फ सुपर ट्रेंड के वो पे बेसिस पे ट्रेड लेना इज नॉट ए गुड आइडिया सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है पर वेन इट कम्स टू जैग कंसोलीडेशन तो उस टाइम में सुपर ट्रेंड फेल हो जाता है तो हम और कौन सा इंडिकेटर एड ओके आर okay, एस आई हम ऐड कर सकते हैं एंड आर एस आई आर एस आई फोर्टीन जीरो हायर देन लेते हैं फिफ्टी फाइव uh, मेरा फेवरेट है फिफ्टी फाइव कर लेते हैं एंड ओके आर एस आई हायर देन फिफ्टी फाइव एक और कन्फर्मेशन के लिए ले लेते ले हैं स्टॉकेस्टिक स्टॉक आपने पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तब आपको पता होगा स्टॉक मेरा फेवरेट है क्रॉसेस अब वो आपको हायर देन कर देते हैं और ये वैल्यू पे आप ध्यान रखना यस जीरो एंड ये भी फोर्टीन के भी जीरो और डी भी जीरो अब भी ये तो हो गया एंट्री कंडीशन ठीक है और अब लिखते हैं एग्जिट कंडीशन जैसे कि मैंने कहा कि एक कोई भी सुपर ट्रेंड आपको अगर सिग्नल दे देता है Uh, जैसे बाय में है और सुपर ट्रेंड आपका सबसे सब पहले सिग्नल कौन दे रहा है तो हम ट्रेड में बैठे नहीं रहेंगे हम एग्जिट कर जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देट ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम एग्जिट कर जाएंगे ओके दैट विल बी ग्रेट ऑप्शन टू डू तो एग्जिट कंडीशन भी लिख देते हैं सॉरी एग्जिट कंडीशन में क्या लिखे एट ऑप्शनल एड एग्जिट कंडीशन ओके प्रीवियस एन एथ क्लोज माइनस वन फाइव मिनट्स फाइव मिनट्स अब थोड़ा सा ध्यान रखना ही है कभी कभी वो लैग करने लगता है प्रीवियस पी आर ई वी माइनस वन और इसको भी कर देते हैं फाइव मिनट्स डन प्रीवियस क्लोज माइनस वन फाइव मिनट्स क्रॉसेस बिलो कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि क्रॉसेस बिलो हो जाएगा और सुपर ट्रेंड नो हमने जैसे कि कंडीशन लिखा था सुपर ट्रेंड कर लेते हैं ट्वेंटी वन टू ऑफसेट इसका माइनस वन जो भी कैंडल पे हम निकलना चाहते हैं माइनस वन कर लेते क्या क्योंकि हमने एग्जिट कंडीशन लिख दिया है तो स्टॉप लॉस हम इसका कुछ भी डाल देते हैं और टारगेट कितना ले लें हम टारगेट प्रॉफिट टारगेट प्रॉफिट पाँच परसेंट अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं ले कि हम यहाँ बैंक निफ्टी से ही चेक करते हैं स्टॉक्स छोड़ देते हैं बैंक बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी सबका फेवरेट रहा है ऑल टाइम तो अब मैं आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे ऐड होंगे बैंक निफ्टी इंडाइसेस अब यहां देखो यहां देखो ये यह जीरो है मतलब एट द मनी है वन टू थ्री एट द मनी के बाहर आउट ऑफ द मनी हो जाएगा माइनस वन टू थ्री इन द मनी चला जाएगा बेसिकली ये एक ब्रीफ इंट्रो है अगर एस अगर आपको स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी हम जल्दी ही वीडियो बना देंगे होपफुली मेरे ख्याल से इसका ओ होता है आउट ऑफ द मनी अगर जाना है आपको तो आपको वन टू थ्री जो लिखना होगा एट द मनी ज़ीरो होता है और इन द मनी जाना है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लिखना है तो लेट्स से कि हम करंट एक्सपायरी की वीकली डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग मतलब बाय करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पे सी ज़ीरो मतलब एड द मनी कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ हम लॉट साइज ले लेते हैं दस लॉट्स ओके एंड यहाँ आप देख सकते हो पाँच परसेंट प्रॉफिट टारगेट अब यहाँ हम ले लेते हैं बैंक निफ्टी यूट्यूब अब देखते हैं ये स्ट्रैटेजी बहुत देर से दिमाग में चल रहा था तो मैंने सोचा हम सब साथ में बैठ के ये स्ट्रैटेजी बताते हैं यूट्यूब स्ट्रैटेजी ठीक है बैंक निफ्टी यूट्यूब स्ट्रैटेजी सेव एंड बैक टेस्ट पर क्लिक करते हैं डायमिक कॉन्ट्रैक्ट है एर गेटिंग रिस्पॉन्स बाय दिस इज हैिंग एस बी आई पाँच मिनट बाय दस पाँच बैंक निफ्टी मेरा नेट कनेक्ट तो है नाइन्टी नाइन सो एडवांस यहाँ चलते हैं डेली स्ट्रेटी साइकिल वन रखते हैं कैंडल स्टिक इसको रख लेते हैं नाइन थर्टी फाइन नाइन थर्टी टू टू थर्टी आप देखते हैं क्या लिख रहा है कुछ तो गलत लिखा है सेव एंड बैक टेस्ट ओके सो फोर्टीन सिग्नल ग्यारह विन और तीन लॉसेस एंड ओवरऑल वी आर इन अ लॉस ये कर लेते हैं इसको थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं इसको एक परसेंट करके देखते हैं सेव एंड बैक टेस्ट ये एट नवंबर से पांच फैब तक का बैक uh, टेस्ट होगा ओके okay, तो ये अभी भी लॉस दे रहा है तो हम चलते हैं एक और कंडीशन इसमें लिख के देखते हैं और एक एग्जिट कंडीशन लिख लेते हैं एंड आर एस आई आर एस आई फोर्टीन माइनस वन कर लेते हैं ओके आर एस आई माइनस वन लोअर देन लोअर देन कर लेते हैं एक्चुअली स्ट्रीक में जब आप स्ट्रेटजी क्रिएट हो कर रहे हो तो बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशंस करने होते हैं एक्चुअली यही फैक्ट है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी सोच रहे हो तो उसको सोचो देन उसमें और क्या क्या कर सकते हो वो करके देखो नंबर ले लेते हैं नंबर फोर्टी फोर्टी डन करते हैं सेव एंड बैक टेस्ट कर लेते हैं ऐसे ही क्या होता है उसके बाद और ट्विक्स भी कर सकते हो के लॉसेस चौदह सिग्नल्स डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट थर्टीन वन लॉसेस एट विंस तो ये नेगेटिव में क्यों दिखा रहे वन लॉसेस एट विन मेरे ख्याल से इसके एक्जिट uh, कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम है क्या एडिट करके देखते हैं फाइव मिनट्स एट द मनी लॉन्ग टेन कॉन्ट्रैक्ट्स फिफ्टी फाइव स्टॉक हायर देन स्टॉक ईयरस टी जीरो आर एस आई फोर्टीन जीरो हायर देन फिफ्टी फाइव फोर माइनस वन सुपर ट्रेंड आर एस आई लोअर देन फोर्टी एडवांस में जाके देखते हैं नौतीस कुछ तो गलत हो रहा है ना तभी तो ये इतना बेकार कैसे काम करेगा हायर देन ट्वेंटी वन फोर माइनस वन ओके प्रीवियस एंड एट क्लोज क्रॉसेज अब ट्वेंटी वन टू ज़ीरो एंड आर एस आई चौदह फिफ्टी फाइव दैट विल बी गुड स्टोकिस्टिक जीरो हायर देन स्टॉकिस फोर्टीन यूर्स टी प्रीवियस एंड क्लोज माइनस वन फाइव मिनट्स क्रॉसेस बिलो सुपर टन ट्वेंटी वन टू माइनस वन ओके एंड आर एस आई फोर्टीन माइनस वन लोअर देन फोर्टी स्ट्रैटेजी साइकिल वन कैंडल स्टिक चार्ट को अगर हम ट्विक कर देते हैं पे, उसके लॉसेस मिनिमाइज करने होंगे हमें बहुत ज़्यादा ही लॉस हो रहा है इवन आठ ओके तो आप देख सकते हो ये कैंडल स्टिक के साथ नहीं हैके के साथ ये काम करता है तो आपने देखा कि बहुत सारे ट्विक किया हमने वीडियो के साथ एंड आप यहाँ देख सकते हो इस स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम ये है कि सिग्नल्स कम आ रहे हैं पर नाइन आउट ऑफ नाइन ट्रेड्स विनिंग ट्रेड है मैक्सिमम गेन एट एटी सेवन पर ट्रेड हुआ है एवरेज गेन सिक्स सिक्स नाइन्टी फाइव हुआ है लेस सी अगर हम अब अब इसको इंक्रीज कर देते हैं पाँच परसेंट टारगेट के लिए देन लेट्स से पांच परसेंट टारगेट के लिए अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं तो हम देखते हैं प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है तो आपने देखा कि हंड्रेड परसेंट वाला अगर हम इसका प्रॉफिट टारगेट इंक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हो एक लॉसेस एक लॉस एक ही लॉस हुआ नंबर ऑफ लॉसेस एक नंबर ऑफ विन्स फोर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स नाइन नाइन आउट ऑफ एट ट्रेड्स विनिंग है तो अगर आप छोटा प्रॉफिट लेना चाहते हो तो इसको कर सकते हो पांच अब दस करके देखते हैं से कि किसी दिन यह स्ट्रैटेजी लंबा चल गया एक्यूरेसी में भी थोड़ा डिक्रीज हो जाए पर शायद टारगेट देने जाए तो दे जाए सी दस कर देते हैं एंड दस इज ए वेरी बैड नंबर सो हम मैक्सिमम सिक्स करके देख सकते हैं डेली स्ट्रैटेजी साइकिल है मतलब डेली आप कितनी बार इस स्ट्रैटेजी को सिग्नल मिलने पर एग्जीक्यूट करोगे मैंने इसे हमेशा से वन रख रखा है एंड हमने यहाँ पे क्वांटिटी दस कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हम काम कर रहे हैं और जो टारगेट प्रॉफिट है उसको हम कर देते हैं पांच पांच नहीं छ करके देखते हैं से ले कर देते हैं एंड देन ब्रोकरेज देखते हैं ब्रोकरेज लगा के हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है टेन लॉट्स के साथ ओके okay, तो आपने देखा नाइन आउट ऑफ एट ट्रेड्स आर प्रॉफिटेबल अगर हम ब्रोकरेज ऑन कर देते तो एक हजार का ब्रोकरेज जा रहा है जैसे कि आपने यहाँ देखा थर्टीन थाउजेंड ब्रोकरेज देने के बाद अब यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी देख सकते हो कि कब लॉस हुआ है कब प्रॉफिट हुआ है यहाँ आओगे तो आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखोगे देखो, देखो ये रहा देन ये प्रॉफिट फिर ये 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 देख सकते हो आप यहाँ के तो मैक्सिमम गेन पर ट्रेड हुआ है 5,325 और एक ट्रेड में आपको लॉस हुआ है ऑलमोस्ट नाइनटीन तो आप ना इसको भी थोड़ा कम करने की कोशिश करिए कि अगर लॉस दे तो लेट्स से कि दस परसेंट का हम एस लेते हैं एंड देन बैक टेस्ट करके देखते हैं दस परसेंट का एस में आई डोंट थिंक सो ओके मुझे पता था ये नहीं देगा हमें एक्जेक्ट कंडीशन पर ही रिलाय करना होगा तो स्टॉप लॉस को हमें करना होगा नाइन्टी नाइन और टारगेट को करना होगा चार परसेंट लेस से हमने पिछले वो में पाँच किया था ना चार परसेंट स्टॉप लॉस हम इसमें अपना एग्जिट कंडीशन के साथ जाएंगे एंड लेट्स बैक टेस्ट एंड हेयर वी आर नाइन आउट ऑफ नाइन ट्रेड्स आर इन प्रॉफिट और ये है एट नवंबर से फाइव फैब तक का बैक टेस्ट रिजल्ट और यहाँ आपको ट्रेड हिस्ट्री भी मिल जाएगी इसे डाउनलोड कर सकते हैं आई थिंक सो डाउनलोड बैक टेस्ट डाटा तो ये जो डाटा है ना ये डेटा का लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो बेसिकली आपको क्या करना है इस डाटा के लिस्ट के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना है और डाटा डाउनलोड कर लेना है इससे आपको पता चल जाएगा कि कब आपको कितना प्रॉफिट हुआ कब ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ कितने बजे हुआ जैसे कि यहाँ आप डेट और टाइम देख सकते हो तो हम मैं ये डाटा का लिस्ट आपको वहीं वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एक्चुअली अगर आपके पास कोई सजेशन है कि ये नंबर ऑफ सिग्नल्स इंक्रीज़ हो जाए और अगर कोई लॉस ट्रिगर हो रहा है तो वो कम हो जाए कोई भी इंडिकेटर लगा के तो प्लीज़ डू राइट अस ऑन क्रांसपेरेंसी डॉट Actually uh, do राइटर्स on Casper info Casperancy at रेट तो आपने देखा कि एक पे स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको डीप थिंकिंग की जरूरत है आपको बहुत सारे ट्विक्स करने होंगे बहुत सारे चेंजेस करने होंगे जैसे कि आपने देखा ये स्ट्रेटजी पहले हमने कैंडल स्टिक पे बैक टेस्ट किया फिर हमने हैके नसी पे बैक टेस्ट किया तो हमें जाके एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिला उसमें बस प्रॉब्लम ये थी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स नाइन है नंबर ऑफ इन नाइन है लॉसेज नेगेटिव है मतलब हंड्रेड परसेंट एक्ूरेट एक कह के अगर मैं YouTube पे अपलोड करूं तो ये गलत नहीं होगा तो अभी आपका काम क्या है आपका काम यह है कि आप देखो कि इस स्ट्रेटजी को कैसे हम मॉडिफाई करके नंबर ऑफ सिग्नल्स को इंक्रीज कर सकते हैं नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप कनेक्टेड विथ क्रांसपेरेंसी